हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू सिंपल पेपर फैमिली। तो चलिए यहाँ पे जो है आज मेरा टॉपिक आपसे डिस्कस करने का है कि इंडिया और चाइना के पे बहुत बार बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, इसका रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस दैट द टू कंट्री फाइट फॉर द बॉर्डर। तो क्या ऐसा रीज़न है कि इन दोनों कंट्री में ही ज़्यादा होता है, तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। और जो भी डिस्कस किया जाएगा, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर में क्यों डिस्प्यूट होता है और किस लिए होता है, क्या कारण होता है। और दूसरा चीज़, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको करना, ठीक है। तो देखिए, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम चलते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले होता है आपका पंचशील बैकग्राउंड, पंचशील ट्रीटी, ठीक है, PNCHSHEEL, यहाँ डबल ई होगा, ठीक है, पंचशील ट्रीटी, ठीक है। दूसरा होता है 1962 में जो वार हुआ था, थर्ड वन वेस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट, फोर्थ ईस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट एंड द करेंट सिचुएशन। तो जो करंट में सिचुएशन चल रहा है उसको भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं पंचशील ट्रीटी। पंचशील ट्रीटी है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पंचशील ट्रीटी आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज आपके पढ़ने से जो भी आपके जो भी डाउट होते होंगे वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, पंचशील ट्रीटी जो है वो हुआ था, वो साइन हुआ था, कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हुआ था, पिकिंग में। पिकिंग को ही आज हम बेजिंग के नाम से जानते हैं, बेजिंग जो चाइना का कैपिटल है, तो बेजिंग को ही उस समय पिकिंग कहा जाता था। और ये हुआ था 29 अप्रैल 1954, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है डेट, जैसे एग्ज़ाम में SSC हो गया, MTS हो गया, या NTPC के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि पंचशील ट्रीटी जो है वो साइन कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील जो है एक संस्कृत लैंग्वेज से आया है, इसका मतलब होता है पांच प्रॉपर्टी। अभी पांच चीज़ इसमें लिस्टेड है, वो पांचों चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि पंचशील में जो पांच एग्रीमेंट के दौरान जो पांच चीज़ किए गए थे वो पांचों चीज़ है क्या। देखिए, सबसे पहला था कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब आप लोग पता है, जैसे भारत एक सॉवरेन नेशन है, ठीक है। दूसरा था नॉन एग्रेशन, ठीक है, देख रहे हैं आप तो, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो नहीं रहा है। नेक्स्ट था नॉन इंटरफ्रेंस, फोर्थ वन म्यूचुअल बेनिफिट, एंड द फिफ्थ वन पीसफुल, जो कि पीसफुल कहीं दिखने मिल नहीं रहा है। देखिए, पहला क्या था कि इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, मतलब म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे इंडिया और चाइना दोनों ही एक दूसरे के जो सॉवरेनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा है नॉन एग्रेशन, एग्रेसिव नहीं होंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, एग्रेसिव नहीं होंगे किसी भी चीज़ को। एंड द थर्ड वन नॉन इंटरफ्रेंस, किसी भी इंटरनल मैटर पे इंडिया या चाइना एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे, इंटरफ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि POK के लेके या पाकिस्तान इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चाइना उस चीज़ को कभी कभी यूनाइटेड नेशन में भी ले जाता है, जो कि गलत है। पंचशील ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। एंड नंबर फोर्थ, म्यूचुअल बेनिफिट। इंडिया और चाइना जो भी करेंगे एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करेंगे, कि दोनों का ही भला हो, एंड द पीसफुल। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हम कहते थे ना हिंदी चीनी भाई भाई, तो उस समय चाइना के संग बहुत अच्छा रिलेशन था, नो डाउट। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगता, आज चाइना के संग कैसा रिलेशन है मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, नहीं तो मीडिया तो आपको बताता ही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि है क्या ये सब चीज़। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी, डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी, और अगर हो सके तो आप मैप लेके बैठिए, क्योंकि मैप के थ्रू आपके लिए ईजी हो जाएगा जानना ये सारी चीज़ को। और डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई कि आपको समझ आए, ठीक है। तो गिव मी सम टाइम, ओनली 2 मिनट्स। तो मैं थोड़ा बहुत डायग्राम बना लूँ यहाँ पे। देखिए, डायग्राम तो हमारी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलो, तो ये है हमारा, ये हमारा नहीं है, सॉरी, ये तो पाकिस्तान है, ये जम्मू एंड कश्मीर है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर है अक्साई चीन, क्या है, अक्साई चीन, ठीक है। और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, याद रखिए ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे आता है आपका नेपाल, और इधर है आपका तिब्बत, और यहाँ पे आपकी सिक्किम है, ये भूटान है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में आज करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर को लेकर हमारे संग मतभेद होता है। यहाँ पे आपका चाइना है, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ चाइना है, तो चाइना का ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो पहले हम लोग वेस्ट देख लेते हैं, वेस्ट में प्रॉब्लम क्या है, तो पहले ध्यान से सुनिएगा।
एक्चुअली जो दलाई लामा थे वो अपने आप को, वो लोग अपने आप को कंसिडर नहीं करते थे कि वो चाइनीज़ है, ठीक है, वो कहते थे वो तिब्बतियन हैं, ठीक है, और वो चाइना के अपोज रहते थे। इसके लिए वहाँ से वो भारत में आए थे 1959 को। कब आए थे दलाई लामा? 1959 को। तो चाइना चाहता था कि तिब्बतन को एक अलग कंट्री ना बना के वो अपने में अंडर ले ले और अपने में कंसिडर करे, ठीक है। तो इस तरह से वो सारे चीज़ को, वन मिनट फॉर ड्रॉप, आई थिंक कोई साउंड आ रहा है, वन सेकेंड। ओके, थोड़ा सा साउंड आ रहा है, उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, मैं कुछ कर नहीं सकती अभी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जैसे मैं आपको कहती दलाई लामा जो थे वो आए थे भारत में और चाइना ने कहा था भारत को कि आप उसको शेल्टर नहीं देंगे, उसको अपोज करेंगे, ठीक है, चाइना का ऐसा कहना था, ठीक है, पर चाइना ने, पर इंडिया ने फिर भी उनको मतलब शेल्टर दिया दलाई लामा को, ओके, और जिसके कारण चाइना एक तरह से अपोज्ड हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपोज्ड हो गया। वहीं से चाइना और इंडिया का रिलेशन कहीं ना कहीं एक थोड़ा ख़राब होने लगा। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर होगा तो थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो विजुलाइज है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको, आप लोगों को जो बोर्ड में मैं लिखती हूँ वो दिखता है या नहीं, विजुलाइज होता है या नहीं। अगर विजुलाइज है तो कमेंट बता दीजिएगा, नेक्स्ट 30 से मैं ये चीज़ ध्यान रखूंगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे कि भैया ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद चाइना का ये कहना था, तो चाइना को, चाइना में उस समय में बहुत ज़्यादा भुखमरी चल रही थी, बहुत सारा चाइना की सिचुएशन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उनको लगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया पे अटैक कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक नेशनल राष्ट्रवाद हो जाएगा और ये जो भुखमरी का है इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकेंगे, मतलब इस मुद्दे से हट सकेंगे। होता ना पॉलिटिक्स में कि भैया अगर कुछ ऐसा चल रहा है अंदर कंट्री के तो उसके थ्रू हम लोग कैसे बाहर निकले। तो चाइना ने क्या किया था कि 1962 में भारत के ऊपर वार कर दिया और जिसमें उन्हें अक्साई चीन भारत से ले लिया था। तो अक्साई चीन जो है वो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया है, याद रखिएगा। और दूसरा, चाइना को इस चीज़ का खाड़ भी था, इस तरह से वो नाराज़ भी था इंडिया से कि इंडिया ने क्यों दलाई लामा को एक तरह से सहारा दिया। और चाइना ने तिब्बतन को मतलब कि अपने कैप्चर में लिया था 1950 से 1951 के बीच में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये तो था वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एक तरह से बॉर्डर जहाँ पे इंडिया और चाइना का एक तरह से प्रॉब्लम होता है एक्साई चीन को लेके। अब सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारे ईस्टर्न सेक्टर में। तो ईस्टर्न सेक्टर में आपको नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी स्टेट है भारत की वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वेस्टर्न बॉर्डर में क्या प्रॉब्लम है चाइना और इंडिया का। देखिए, जो साउंड आ रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। डायग्राम तो मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, पर कितना अच्छा बनेगा ये तो आप ही लोग बताएंगे। तो ठीक है, आई विल ट्राई, समझने से मैटर है, अपने को समझ आ जाता है, बस और क्या चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो है आपका अक्साई चीन है, मैं लिख देती हूँ अक्साई चीन, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये आपका नॉर्दर्न रीजन है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है और ये इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने बनाया नहीं है, ये जो पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ बना देती हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान यहाँ पे है और ये जो एक पार्ट देखेंगे आप लोग पाकिस्तान का, POK एरिया, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दिया था एज अ गिफ्टेड, क्यों दिया था, देखिए वहाँ पे क्या है ना कि आर्मी को रखने के लिए बहुत खर्च होती है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कैसी है वो हमें पता ही है, उसको हमको बताने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं होगी। तो जितना अगर वो लोग इतना झगड़ा करने से बेटर अगर वो अपनी इकोनॉमिक पे ध्यान देते तो आज वो भी डेवलप्ड होते। तो चलिए, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपना भारत का ध्यान रखना होगा हमें। तो पाकिस्तान से वो चीज़ मेंटेन नहीं हो रहा था और पाकिस्तान के लिए अच्छा चीज़ था, वो चाहते थे कि चलो चाइना के संग रिलेशन अच्छा हो जाए। तो पाकिस्तान ने जो एरिया भारत से लिया था उस एरिया को उन्होंने चाइना को दे दिया, ठीक है, चाइना सीड कर लिया एक तरह से बोल सकते हो, या तो चाइना कैप्चर कर लिया या अल्टीमेट पाकिस्तान ने उसको गिफ्टेड दे दिया। ये POK का एरिया था और इसका नाम जो है, जो पाकिस्तान ने दिया है उस वैली का नाम है, तो याद रखिएगा इसका नाम है सगम वैली,
ठीक है, क्या नाम है? सक्षम वैली। सक्षम वैली कभी कभी पूछता है कि उस कौन सी वैली है जो पाकिस्तान ने गिफ्टेड दिया चाइना को या पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया में, तो याद रखिएगा सक्षम वैली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है सियाचिन ग्लेशियर को लेके, कि सियाचिन ग्लेशियर किसके पास है, चाइना के पास है कि इंडिया के पास है? तो हमेशा याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर आज भी इंडिया के पास है और हमेशा ही भारत के पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ध्यान से रखा जाता है, बहुत खर्च होती है, क्योंकि देखिए खर्च से तो सबसे बड़ा बेटर है कि यहाँ पे जो डिग्री होती है वो माइनस में जाती है। ओके, माइनस में डिग्री में वो जो हमारे आर्मी होते हैं वहाँ हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। बहुत बार मैंने लोगों से, स्टूडेंट से भी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, इनसे मैंने ये सवाल सुना भी है कि फालतू की सरकार जो रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे खर्च कर रही है, वही पैसा यहाँ खर्च करे वहाँ खर्च करे। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे खर्च करती है तो वो बेबुनियाद नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ, कहीं ना कहीं वो सोच के ये खर्च करती है। आप खुद ही देखो, अगर ये सियाचिन ग्लेशियर का यहाँ पे इंडिया ऑक्युपाइड नहीं करेगी, अगर वो अपने आर्मी को नहीं लगाएंगे, हम भारत के आर्मी को, तो कल को चाइना इसको ऑक्युपाइड कर लेगा, क्योंकि तो आपको तो पता ही है चाइना कितना भूखा है, वो हर जगह से इंडिया को कैप्चर करना चाह रहा है। और अगर सियाचिन ग्लेशियर भी चाइना के हाथ में चला गया तो यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा, और जिससे जो चाइना एक बॉर्डर बना रहा है OBOR, वो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा बनाना। तो देखिए यहाँ पे जो भारत ये खर्च करता है, ये ऐसे नहीं खर्च करता, वो कुछ सोच के ही वहां पे आर्मी को रखा गया था कि भारत का सुरक्षा हो सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन SSC में ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा है, कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे, दुनिया का सबसे ऐसा हाईएस्ट फील्ड है, जहाँ ऐसा फील्ड जहाँ पे लड़ाई झगड़ा वार होता है? तो याद रखिए ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर ही वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 चीज बता दिया। नेक्स्ट अक्साई चीन है, वो तो चाइना के कैप्चर में, उसको हम कुछ कर नहीं सकते अभी। ठीक है, चलो अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको वेस्टर्न बॉर्डर यही चल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको डायग्राम मिटा के एक अच्छे से एक चीज़ दिखाती हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या है वेस्टर्न में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर मतलब साई चीन सियाचिन के से इनका जगह है, तो यहाँ पे एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो डिफाइंड है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, जो लाइन बनाया गया है वो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफाइन नहीं है, वो चाइना मानता नहीं है। जैसे मान लीजिए इंडिया बोलता है कि यहाँ तक ही, इंडिया जैसे बोलता है कि यहाँ तक ही चाइना आ सकता है, इतना चाइना का जगह है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं मेरा यहाँ तक जगह है, तो इंडिया कहता है कि यहीं तक लाइन है और चाइना कहता है कि यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ इंडिया का पोर्शन है और यहाँ चाइना का पोर्शन है, तो एक्चुअल में ये लाइन होना चाहिए पर चाइना उस यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये जो 10 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पे चाइनीज की जो सोल्जर होती है वो आते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, भारत के जो सोल्जर है वो जाते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो एक जगह है जहाँ पे पेट्रोलिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जब दोनों देशों के, दोनों कंट्री के जो ट्रुप्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो मिलते हैं, तो वहीं पे आपस में एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, कि वो बोलता है तुम मेरे टेरिटरी में आ गए, तुम मेरे टेरिटरी में आ गए। ऐसे देखा जाए तो ये भारत का ही टेरिटरी है, लेकिन चाइना का तो आदत ही ऐसा है ना, वो घुसा रहता है, बस उसको झगड़ा करने से मतलब है। तो यहाँ पे चाइना क्या जबरदस्ती का यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे कंसिडर करता है, जबकि भारत कहता है कि ये भैया तुम्हारा ये लाइन है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर आप देखोगे मैप में तो एक जॉनसन लाइन होता है। ठीक है, जॉनसन लाइन, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, जॉनसन लाइन बनाया गया था अक्साई चीन, और जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन इंडिया में ही है, भारत में ही है। ठीक है, जॉनसन लाइन ये कहता है, अगर आप जॉनसन, अगर पूछे कि जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन भारत में कि चाइना में, तो याद रखिएगा अक्साई चीन जो है वो भारत का ही पार्ट है जॉनसन लाइन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 1962 वॉर में वो हमसे, चाइना ने हमसे ले लिया था झगड़ा में, इसलिए ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम होता है कि अगर आपसे पूछे कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में, तो इंडिया और चाइना, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन नहीं है, जिसके कारण इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने मिलते हैं। ये तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर का पार्ट हुआ, जो अक्साई चीन सियाचिन ग्लेशियर। अब ईस्टर्न में देखिए मैं आपको बताती हूँ, ईस्टर्न में इससे भी बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा डोकलाम प्रॉब्लम्स, सिलीगुड़ी, फिर अभी जो आपका एकदम करेंटली हुआ था गलवान वैली, तो ये सब क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये भूटान है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये आपके नॉर्थ ईस्ट, जो भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है। ठीक है, तो
तो भूटान के इधर थोड़ा सा आपको दिखेगा एक छोटू सा प्यारा सा हमारा सिक्किम है, दिखता है ना छोटू सा, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा है सिक्किम, तो उसको हम लोग चिकन कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा चिकन कॉरिडोर। अगर आप मैप में जाके देखोगे ना तो उसकी जो नेक होती है ना, मतलब जो उसका शेप है इंडिया में, वो आपके चिकन के नेक की तरह दिखता है, और इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सा स्टेट है जिसको आप सिक्किम कॉरिडोर या चिकन कॉरिडोर कहते हो, तो याद रखना उसे कहते हैं सिक्किम, वो है आपका सिक्किम। सॉरी। अब देखिए भूटान और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश को लेके चलते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है तवांग, ठीक है, आप लोग सुनोगे तवांग, और इसको लेके चाइना इतना पॉजिटिव रहता है अरुणाचल प्रदेश को लेके कि उसका बस चले तो नॉर्थ ईस्ट को उठा के ले जाए। चाइना यहां कहता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि यहां पे अरुणाचल प्रदेश के पास इंडिया और चाइना का एक लाइन है, जिस लाइन को आप कहते हो मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन जो है एक्चुअल में वो, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी तिब्बत और ब्रिटिशर के बीच में, जो तिब्बत थे वो और ब्रिटिशर के बीच में साइन हुआ था। तो चाइना कहता है कि तिब्बत का कोई भी ट्रीटी हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते कि तिब्बत का कोई भी ट्रीटी है, इसलिए इस ट्रीटी को नहीं माना जाता और अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि जो तवांग है, तवांग में ज़्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट लोग हैं वो चाइनीज हैं वो हमारा है, तो तवांग हमारा है और पूरा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है क्योंकि वो हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाइना एक और चीज़ करता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग अगर कभी जाना चाहते हैं तो उनको एक स्टेपल वीज़ा देता है। स्टेपल वीज़ा देखिए पहले तो पाकिस्तान भी यूज़ करता था लेकिन अब नहीं करता है, अभी चाइना स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा क्या होता है? जैसे मान लो मुझे, अगर मुझे जाना है चाइना में तो मुझे अपना वीज़ा, मुझे वीज़ा चाहिए होगा। वीज़ा मतलब क्या? मेरा जो पासपोर्ट होगा उसमें वो लोग स्टैंप लगा देंगे, ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और हम चाइना जाएंगे। लेकिन अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का बंदा चाइना जाना चाहता है तो उसके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगा, उसको एक अलग सा पेपर दिया जाएगा और उस पेपर पे स्टैंप लगेगा, ठीक है, यही डिफरेंस है। देखिए क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उन्हीं के लोग हैं तो उनको अपने देश में आने से कब ऐसा कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनको स्टेपल वीज़ा दिया जाता है, बाकी अगर अन्य राज्य के लोग भारत के जाएंगे चाइना में तो उनको एक पासपोर्ट, उनको वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये होता है। स्टेपल वीज़ा का मतलब होता है जहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चाइना बहुत बार क्लेम करता है और इसके लिए बहुत बार वो झगड़ा भी करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, हमारा इस तरह से। देखिए जिस तरह से चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और तवांग में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, चाइनीज लोग रहते हैं, वो हमारा है, हमारा दे दो, तो कल तो इंडिया भी कह सकता है कि भैया नॉर्थ ईस्ट के लोग जैसे हैं उनका जो कस्टम है वही कस्टम तिब्बत का भी है, वही कस्टम चाइना का है, तो चलो चाइना हमारी कंट्री होगी तो चाइना को दे दो। तो क्या चाइना देगा? नहीं देगा ना। तो चाइना बेमतलब का, बेफालतू का झगड़ा करता है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि वो ट्रीटी को नहीं मानता, जो ट्रीटी साइन किया हुआ उसको भी वो कंसिडर नहीं करता। तो ये सीरियसली प्रॉब्लम चल रहा है आपके ईस्टर्न सेक्टर में। अच्छा, अभी बहुत बार करंट सिचुएशन में एक प्रॉब्लम देखा गया था आपके सांगपोंग में, सांगपोंग एक लेक है उसमें, दूसरा नाकुला सेक्टर में देखा गया था, और करेंटली अभी देखा गया था गलवान वैली में। देखिए गलवान वैली जो है ये आपके वहीं पे है, गलवान वैली जो एक तरह से गलवान एक रिवर है जो कि श्योक रिवर से मिलती है। किस रिवर से मिलती है? श्योक रिवर से, ठीक है। और गलवान वैली के ऊपर हाइट पे चाइना ने अपने ट्रूप्स को बैठा लिया। हमेशा याद रखिए अगर आपका दुश्मन आपसे ऊंचे में बैठेगा तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर कोई भी मतलब आर्मी में जब झगड़ा होता है तो जब हम ट्रूप्स जब ना हाइट पे, तो जितनी हाइट पे हमारे दुश्मन रहेंगे और आप उससे लो रहोगे तो आपको लड़ने में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो चाइना ने अपने ट्रूप्स को गलवान वैली के हाइट पर रखा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत के लिए प्रॉब्लम है, और अगर भारत इसको नज़रअंदाज करता है और नहीं उसको देखा जाएगा तो क्या करेगा चाइना उस चीज़ में? बहुत सारे ऐसे ज़मीनें हैं, ऐसे लैंड है भारत के जो चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है डोकलाम एरिया। डोकलाम का भी बहुत बार केस उठा था कि डोकलाम होता क्या। देखिए सिक्किम का यहाँ बनाती हूँ मैं, ये आपका सिक्किम, ये भूटान है, ठीक है। तो सिक्किम के पास ये जो चिकन कॉरिडोर है यहाँ पे, मतलब यहाँ से तो हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, तो यहाँ पे वहाँ पे ढोकलाम है, ठीक है। ढोकलाम एरिया में क्या होता है? ढोकलाम जो ट्रीटी है वो तो एक्चुअल में भूटान और चाइना के बीच में, ठीक है, इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। तो ढोकलाम में क्या होता है कि चाइना जबरदस्ती का ढोकलाम में घुस रहा था और जगह बना रहा था, लेकिन भारत ने भूटान के संग एक ट्रीटी की है कि अगर भूटान को कभी भी जरूरत पड़ेगा तो भारत उसके लिए खड़ा होगा। तो भारत ट्रीटी के अनुसार भूटान का हेल्प किया था और ढोकलाम से हमने चाइना को, आपने देखा था काफी विवाद हो गया था तो चाइना को हटाया गया था।
एक्चुअल में देखिए डोकलाम से भूटान ही नहीं भारत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना डोकलाम एरिया में घुस जाता है तो कल को कुछ ही दिन में नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है भारत का वो चाइना आराम से ले सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि भारत का जो एक तरह से आप देखोगे कि भारत कुछ ऐसा है तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है ना हमारा वो थोड़ा हमारा डिफरेंट हो जाता है, काफी वो दूर हो जाते हैं हमसे, ठीक है। और ये एक एरिया जो उन्हें जोड़ के रखता है। इससे म्यांमार में भी इंडिया का एक ट्रीटी चला था, एक बॉन्ड साइन हुआ था जिससे हम लोग नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर सके, मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ है, आप लोग ये जाके पढ़िए सब चीज। तो चाइना का पूरा एक नजर था कि भैया हमें ढोकलाम में घुसना है, तो भारत ने इसलिए हेल्प किया, ना कि सिर्फ भूटान का हेल्प किया, क्योंकि भारत जानता है ये बात कि अगर हम ढोकलाम में नहीं रोकते चाइना को तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो भारत के हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ रीजन है। दूसरा चीज मैं आपको ये बताऊं तो चाइना ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि कभी कभी लगता है कि मतलब घुस के एकदम मार दो इसको, मतलब इतना बुरी तरीका से। आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत बार ऐसा सुनने आया था न्यूज में कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है जो मतलब चाइना से होते हुए भारत में आती है तो उसके पानी में बहुत गंदगी होता है। क्या कर रहा था चाइना कि ब्रह्मपुत्र के रिवर के ऊपर डैम बना रहा था, ठीक है, डैम बना के वो पानी को दूसरे ऊपर डाइवर्ट करना चाह रहा था, ठीक है। तो ये और एक चीज याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर इंडिया और चाइना का कोई भी ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ है, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ है। तो अगर कल को चाइना डाइवर्ट करना चाहेगा भी तो हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। जिस तरह इंडस रिवर पे हमारा ट्रीटी साइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते या रिवर को डाइवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंडस रिवर जो है वो एक तरह से सोर्स है, लाइवलीहुड है पाकिस्तान के लिए, वैसा अगर ट्रीटी हम ब्रह्मपुत्र के संग इंडिया और चाइना का साइन होता तो ये बहुत होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इसमें इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हम चाइना को टैकल कर सके, क्योंकि चाइना की नज़र है पूरा। और दूसरा, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है चाइना जैसे कि श्रीलंका या बहुत जगह पे अपना पोर्ट बना रहा है ताकि वो इनसर्कल कर सके इंडिया को, इंडिया को चारों तरफ से वो घेर सके। तो मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हम सिचुएशन को टैकल कर सके और क्या क्या चीज़ हम बना सके। तो आई थिंक जो इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है वो आपका क्लियर हो गया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार बच्चे न्यूज़ नहीं देखते हैं। इसे मैंने पूरे न्यूज़ को एकदम कैप्चर करके एक समराइज करके आपको बता दिया है कि एक्चुअल इंडिया और चाइना में कहाँ कहाँ डिस्प्यूट हो रहा है और क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो चलिए इस सेशन को यही खत्म करते हैं, लेकिन इस सेशन को खत्म करने के पहले हम आपको ये बोलते हैं कि इस सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो यार शेयर करने में, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा अगर शेयर करोगे तो कोशिश करो, शेयर करो, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर पसंद आए तो ही लाइक करो, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक में भी तो आप कमेंट में लिखिए, हम लोग हमारी टीम पूरी कमेंट आपकी पढ़ती है और आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो चलिए यहीं तक सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद।